व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं स्क्विड गेम। ये यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है, जो शॉपिंग मॉल में ये लोग स्क्विड गेम का थीम लगा हुआ है, जिसमें स्क्विड गेम का कैरेक्टर लोग हैं, जो लोग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो हम अभी उस मॉल में जा रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे स्क्विड गेम का ये कैसा होता है। पहुंच चुका है ये सानवे पिरामिड मॉल पे। तो ये जो है मॉल का एंट्रेंस है, और ये आप देख सकते हो मेरे पीछे ही है, एकदम एक डॉल है जो स्क्विड गेम पे ये डॉल होता है, वही डॉल है यहाँ पे। तो अभी हम आप अंदर जा रहे हैं। अभी मैं मॉल के अंदर हूँ। ये मॉल काफ़ी बड़ा है। तो ये जो मॉल है सानवे पिरामिड है, और ये मॉल कुआलालंपुर सिटी में है। ये मॉल बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे अब स्क्विड गेम का शो चल रहा है, तो हम जाएंगे और देखेंगे कैसा चल रहा है स्क्विड गेम यहाँ पे। इसके साथ फ़ोटो खींचने के लिए आपको लाइन जो है इतना लंबा लगा हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है 200-400 लोग तो यहाँ पे ही है बस ये फ़ोटो खींचने के लिए। अभी मैं एकदम पहुंच चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है स्क्विड गेम से कैरेक्टर है, तो ये लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, तो अभी मैं जाऊंगा इनके साथ। ये जो कैरेक्टर है स्क्विड गेम में है, आप देखेंगे इसको। ऑलरेडी फ़ोटो ले चुका है। तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है, ये जो लड़की है, ये मेन कैरेक्टर है। इसमें एक गेम है ग्रीन लाइट रेड लाइट, तो उसमें ये लड़की वो कैरेक्टर प्ले करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं पिक्चर लेने के लिए, ज़्यादातर तो बच्चे हैं। आप देख सकते हो मेरे बिल्कुल पीछे है, ये लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे है, अभी थोड़ा मॉल घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे यहाँ पे मलेशिया में मॉल कैसा है और इसमें क्या क्या मिलता है। आइस स्केटिंग के लिए है एक फील्ड है जहाँ पे लोग खेल रहे हैं। ये पूरा के पूरा आइस है, और यहाँ पे आइस स्केटिंग जो है, आइस स्केटिंग खेल रहे हैं लोग। मुझे तो नहीं आता है, लेकिन अगर आता था तो मैं जाता और आपको दिखाता फीलिंग कैसे होता है यहाँ पे। जो लोग ये लोग मॉल के अंदर एक आइस स्केटिंग का फील्ड बना हुआ है यहाँ पे। आप अगर आते हैं कभी सानवे पिरामिड मलेशिया में, तो ज़रूर चेक करिए ये प्लेस।
काउंटर के सामने है, तो मैं सोचा मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो मैं अभी भी ट्राई कर लेता हूँ। ये काउंटर के सामने अभी टिकट ले रहा हूँ और टिकट लेके देखता हूँ ये आइस स्केटिंग का एक्सपीरियंस कैसे होता है, फिर मैं आपको बताऊँगा। आपको भी अगर ट्राई करना है क्या नहीं करना है फ्यूचर में, अगर आपको नहीं आता है, मैंने ये पास ले लिया है, ये अब स्केटिंग का पास है। अभी मैं अंदर जाऊँगा और थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा, मैंने कभी तो कोशिश किया नहीं है ये आइस स्केटिंग, कभी ट्राई भी नहीं किया, तो आज लाइफ में पहली बार ये आइस स्केटिंग ट्राई कर रहा हूँ। देखते हैं बाहर। एक्चुअली ये शूज़ पहन के चलना बहुत ही आसान है, लेकिन अंदर जो है ये बहुत ही टफ है। मैं अभी बस गिरने वाला था। चले फिर शुरू कर। तो मैं बस अभी अभी ख़त्म करके आया हुआ हूँ। ये उतना टफ नहीं है जितना दिखता है। आप अगर कोशिश करोगे, दो तीन राउंड करोगे, यहाँ पे क्या हर राउंड में आपको एक घंटा मिलता है, लेकिन आप दो तीन राउंड करोगे तो आपको थोड़ा बहुत आ ही जाएगा, तो आप इंजॉय कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा लाइफ में पहली बार ये ट्राई करके। अब भी आप अगर कभी आते हो यहाँ पर या कहीं पर भी आपको आइस स्केटिंग मिल जाता है तो ज़रूर ट्राई करना, तो आपको भी मज़ा आएगा। तो फिर चले आगे देखते हैं और क्या क्या है इस मॉल में। बहुत ही अच्छा प्लेस है। मॉल है एक्चुअली काफ़ी 10-15 मिनट हो गया, अभी खाने के लिए कुछ रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। बहुत ही बड़ा मॉल है लेकिन सुंदर भी है, बहुत ही सुंदर है। आज काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। ये एक रेस्टोरेंट मिला है, इसका नाम है टोनी रोमस। इस रेस्टोरेंट का व्यू काफ़ी अच्छा है। ये जो मॉल है सानोई पिरामिड, इसका एक वाटर पार्क भी है, तो इस आप ये इस रेस्टोरेंट से पूरा वाटर पार्क का बाहर का व्यू पूरा देख सकते हो। तो अभी ये मेनू है मेरे पास, तो देखते हैं इसका मेनू में क्या क्या है और फिर मैं ऑर्डर करता हूँ। तो मैंने ऑर्डर किया है श्रिम्प स्कैम्पी पास्ता, लैम रैप्स एंड रोमानिता
स्ट्रॉबेरी फॉर द ड्रिंक्स। तो देखते हैं फिर। वो आ चुका है ये हमारा ड्रिंक रोमानिता स्ट्रॉबेरी। बहुत ही अच्छा है। जो लैम रिब्स है बहुत ही अच्छा है, और जो श्रीम पास्ता है ये भी अच्छा है। लैम रिब्स बहुत ही सॉफ्ट, वेल सीजन, परफेक्ट है। मैंने एक्चुअली थोड़ा अलग से राइस भी ऑर्डर किया था, उनके पास थोड़ा येलो राइस है, तो मैंने थोड़ा येलो राइस भी साइड से ऑर्डर कर लिया था। बहुत ही अच्छा है खाना यहाँ का। मैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो जब भी मैं दोबारा वीडियो डाउनलोड करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।